गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित कौशिक और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं कि वर्षा हो रही है और अभी मौसम विभाग ने 3-4 दिन का अनुमान जताया है वर्षा होने की संभावना है और भगवान के आगे सब फेल है। प्रकृति ने सब कुछ हरा भरा कर दिया है जबकि उम्मीद नहीं थी। इससे पहले भी जब बारिश हुई कि होगी और आज भी दोबारा से फिर से इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं। और ये आपको छोटी सी झलक मैंने अपने सेब की और इसके साथ लगे प्लम की दिखाई। थोड़ा अगर जूम करूं मैं तो ड्रैगन फ्रूट भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये लगभग 550 प्लांट विधि इसमें जो ली गई है वो है प्रेम चौहान जी की अल्ट्रा हाई डेंसिटी, जिसको हम ज़्यादा पौधे को 8 इंच पे मेन लीडर में कट मार देते हैं और जो साइड की इसकी ब्रांचेस है उसको ज़्यादा नाली जाते हुए उसमें कट मारना पड़ता है ताकि पौधे से पौधे का टकराव ना हो। और दूसरा सिंगल स्टेम पर ही हम अच्छी फसल ले सके, ये प्रेम चौहान जी कहते हैं और उन्होंने करके दिखाया है। जब एक किसान ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी उनसे सीख के ऐसा कुछ पलम में भी जिसमें रेड ब्यूट है और ब्लैक अंबर है और सेब में भी जो सेडलिंग पे लगाए गए हैं जिसमें किंग रॉट, जेरोमाइन, स्कारलेट 2 और पॉलिनेटर के लिए गेल गाला लिया गया है, इसमें भी कोशिश पूरी रहेगी कि और रखनी भी पड़ेगी क्योंकि जो स्पेस रखा है वो 2.5x4 रखा है, पौधे से पौधे की दूरी जो रखी है। तो इसमें जो मेथड फॉलो किया जाएगा वो प्रेम चौहान का ही किया जाएगा। ये आपको दिखाऊं तो ये टमाटर लगाए गए हैं, मल्चिंग सिस्टम इसमें किया गया है और सेम में अभी घास फूस का आच्छादन करना बाकी है। तो आज इस ऑडियो के ज़रिए मेरा आप सबसे ये भी अनुरोध है कि हमें जिस तरीके से हम अपनी ज़मीन को ढक रहे हैं चाहे घास फूस से चाहे प्लास्टिक मल्च कर रहे हैं, उसी प्रकार हमने अपने मुंह को भी मास्क से ढके रखना है ताकि एक तरफ ज़मीन से जितना भी फंगस आता है वो मल्च के द्वारा हमारी फसलों को ख़राब नहीं करता, दूसरी तरफ जितना भी वायरस आज के समय में आदमी से जो परहेज़ करने लगा है और उचित भी है तो उसकी व्यवस्था हमें मास्क लगा के ही हो सकती है, तो हमें ये लगाना पड़ेगा और सेफ रहना पड़ेगा क्योंकि किसान है तो कल है, किसान नहीं तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद।